हाय दोस्तों, मेरा नाम है रानू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्टूडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि हमारे फॉलोअर्स कम क्यों होते हैं, ड्रॉप क्यों होते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स सेम क्यों नहीं रहते। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कभी ना कभी आपने फेक फॉलोअर्स या बॉट्स मतलब ऐड करे ही होंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। वो मैटर नहीं करता कि आपने पेड फॉलोअर्स लिए थे या फ्री के लिए थे या फ्री के किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन से लिए थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ काफी वीडियोस में पहले। वो मैटर नहीं करेगा, फेक फॉलोअर्स फेक ही होते हैं, चाहे आप उनको खरीदो या फ्री में लो। तो यहाँ बात आती है उन फेक फॉलोअर्स की, वो कम क्यों हो जाते हैं, वो हमें अनफॉलो क्यों करते हैं। सबसे पहले ये बहुत लोगों की गलत फहमी है कि वो फॉलोअर्स जिनके अकाउंट से फॉलो आया होता है हमें, वो हमें अनफॉलो कर देते हैं। वो हमें अनफॉलो नहीं करते, वो फेक अकाउंट्स हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको फॉलो करें या अनफॉलो करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असली में जो रीजन, जो इनके पीछे का रीजन क्या होता है, कि जैसा कि आप किसी, जैसा कि मैंने भी एक ऐप या वेबसाइट आपको बताई थी जिसमें कि आपको बोला था मैंने फेक अकाउंट डालने के लिए, फेक अकाउंट डालने के लिए इसलिए ताकि आपके ओरिजिनल अकाउंट का एक्सेस ना जाए उनके पास। फेक अकाउंट का चले जाए तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आप किसी फेक अकाउंट का एक्सेस या अपने किसी भी अकाउंट का एक्सेस इन वेबसाइट्स को देते हो, फॉलोअर्स वाली को, वेबसाइट्स को, तो वो आपके अकाउंट का ना बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो मिसयूज इस हिसाब से होता है कि आपको तो फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपके जैसे लाखों हजारों लोग हैं जो कि फॉलोअर्स लेने के लिए आ रहे हैं उस वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे जो फॉलोअर्स मिलेंगे उनमें से एक आपके फेक अकाउंट से भी उनको फॉलोअर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत ज्यादा बल्क में फॉलोइंग जाती है उस अकाउंट से, उन अकाउंट से। तो इसी को नोट करते हुए इंस्टाग्राम सोचता है कि ये कुछ इधर गड़बड़ चल रही है, मतलब कि एक अकाउंट से इतनी ज्यादा फॉलोइंग कैसे हो रही है इतनी कम टाइम स्पैन में। तो यहाँ इंस्टाग्राम क्या कर देता है, एक्शन ब्लॉक लगा देता है उस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। फिर प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि जब एक्शन ब्लॉक के बाद भी लाइक जा रहे हैं, फॉलोइंग जा रही है, फॉलोअर्स आ रहे हैं उस अकाउंट पे, तो वो प्रॉब्लम फिर इंस्टाग्राम को पूरा गारंटी श्योर हो जाता है इंस्टाग्राम की ये अकाउंट फेक है, ये मिसयूज कर रहा है हमारी सर्विस का। तो वो इंस्टाग्राम वाले क्या करते हैं, वो अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट या परमानेंटली डिलीट ही कर देते हैं इंस्टाग्राम से। तो यहाँ बात आती है कि अगर आपको कुछ किसी ऐसे अकाउंट ने फॉलो कर रखा है जो कि फेक है, बॉट्स है, तो वो अकाउंट कभी ना कभी डिलीट होंगे। तो जैसे ही वो अकाउंट डिलीट हुआ इंस्टाग्राम से, आपके फॉलोअर में से भी एक अकाउंट कम, एक नंबर कम, मतलब आपके फॉलोअर भी कम हो गए। वैसे ही फॉलोअर सबके कम होते हैं जिन्होंने बॉट्स या फेक फॉलोअर्स लिए होते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो यहाँ मैंने ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट भी देखे हैं जिनके 20,000, 30,000, 40,000 फॉलोअर्स से भी ड्रॉप होके आ जाते हैं 2,000, 5,000 पे। तो इतना ज्यादा मैसिव ड्रॉप आता है क्योंकि इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम अपने ऐप के अपडेट्स दे रहे हैं, कुछ इन फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्शंस ले रहे हैं। तो डिलीट काफी हो रहे हैं एक दिन दिन में अकाउंट, ये जो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं बॉट्स के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्यों होता है। वो हमें अनफॉलो नहीं करता, हमें अनफॉलो कोई भी नहीं करता, उनका अकाउंट एक्चुअली इंस्टाग्राम से डिलीट ही हो जाता है, इसलिए हमारे फॉलोअर में एक फॉलोअर कम हो जाता है, या जितने भी डिलीट होंगे उतने फॉलोअर्स आपके कम हो जाएंगे। तो आपका क्या मानना है कि फॉलोअर्स ड्रॉप क्यों होते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं इस वीडियो के, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं कुछ ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू।